हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इधर टाइम है सुबह का 5:30 बजे का और बस मैं पी रही हूँ गरम गरम पानी। और पानी पीने के बाद बस अब मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी सूजी के अप्पे, जिसके लिए मैंने जो बैटर है सूजी अप्पे का वो रेडी कर लिया है। उसमें शिमला मिर्च, प्याज, नमक और लाल मिर्ची और साथ में दे दिया है राई का तड़का। तो बस बैटर तैयार हो गया था, उसके बाद मैंने ले लिया अप्पे मेकर, उसमें लगा दिया है हल्का सा ऑयल। और बस ऑयल लगा के उसके बाद जो है मैं सारे अप्पे लगा बना दूंगी, मतलब इसमें डाल दूंगी जो बैटर है एक एक करके। और देन जब तक ये बनेगा उसके बाद मैं अपने लिए साथ में चढ़ा लूँगी चाय। और अभी आप आगे देखिएगा कि आज पतिदेव ने भी कुछ बनाया है, उन्हें ना अप्पे खाने का मन नहीं था तो उन्होंने आज अपने लिए कुछ बनाया है, वो अभी आप आगे देखिएगा। फिलहाल तो बन रही है इधर मेरी गर्मा गर्म चाय। और आज जो लंच में है वो मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस इधर चाय में मैंने डाल दी है अदरक, साथ के साथ मेरे अप्पे भी जो है रेडी हो गए थे, बस मुझे ना उसको दूसरी तरफ टर्न करने थे। तो बस मैं हल्का सा ऑयल लगा के एक बार फिर से उनको टर्न कर दूँगी ताकि वो दोनों तरफ अच्छे से सिक जाए। और ना इधर अब मैं गोभी और आलू को फ्राई करने के लिए रख दूंगी। तो बस इधर मैंने गोभी काट ली है, आलू ले लिया है, उसमें डाल दिए थोड़ी सी हल्दी और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक। तो बस इसको मिक्स कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा मतलब आधी चम्मच तेल डाल के ना मैं इसको एयर फ्रायर में फ्राई करूंगी, डीप फ्राई नहीं करूंगी, मैं इसको एयर फ्रायर में डाल दूंगी तो ये फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद मैं बस जीरे का तड़का लगा दूंगी। तो बस इधर देखिए आलू गोभी भी रख दिया था, इधर चाय भी मैंने अपने लिए निकाल ली है। और जब तक मैंने चाय निकाली तो इधर ये देखिए आलू गोभी अच्छे से फ्राई हो गया, मतलब अब ना जब से मैंने एयर फ्रायर ले लिया है तब से, हाँ ले जाओ आयान जाओ उधर, तो जब से मैंने एयर फ्रायर लिया ना तो मुझे ना डीप फ्राई नहीं करना पड़ता है। तो बस इधर जो आलू गोभी मैंने फ्राई किया था उसमें जीरे का तड़का लगा दिया, ऊपर से थोड़े से मसाले और डाल के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो बस इधर सब्ज़ी पक रही है, तब तक मैं स्प्राउट बना लूँगी। ये जो चने हैं इनमें मैं प्याज, हरी मिर्ची, हरी धनिया और चाट मसाला डाल के रेडी कर दूँगी, ये हस्बैंड के टिफ़िन में जाएगा। अयान पापा क्या कर रहे हैं बेटा, क्या हुआ? ये बन रहा है बेसन का हलवा, देख के। और देखिए बना कौन रहा है। बेसन भी इन्हीं ने भूना है और पूरा पूरा हलवा, मतलब इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है आज हलवा बनाने में। क्या हाँ, मॉन्स्टर टॉयलेट में मॉन्स्टर है? हाँ अयान कह रहा है टॉयलेट में मॉन्स्टर है। क्या मॉन्स्टर है यहाँ? नहीं नहीं मॉन्स्टर नहीं, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। Thank you.
रहा बेसन का हलवा जो इन्होंने अकेले बनाया है। और अयान को देखिए कितना बड़ा चमचा लेके आए। अयान इतने बड़े स्पून से खाओगे? कितना बड़ा स्पून लेके आया है अयान। थोड़ा ड्राई फ्रूट डालो। हाँ डाल रहे हैं इसमें, अभी ऊपर से पड़ेगा देसी घी और ड्राई फ्रूट्स। तो बस सबका नाश्ता हो चुका था, उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में अपने बाकी के काम निपटाने के लिए। तो इधर मैंने जो करेले काट के रखे थे उनको फ्राई होने के लिए रख दिया, और सारा काम सबका टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद सब कुछ ख़त्म करके बस टाइम आ गया था मेरे जिम जाने का, हस्बैंड का ऑफिस जाने का, और अयान के स्कूल जाने का। तो बस अयान पहुँच चुका है अपने स्कूल, अयान को स्कूल ड्रॉप करके बारी आ जाती है मेरे जिम जाने की। तो बस पतिदेव मुझे जिम में ड्रॉप करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे ऑफिस। और देखिए इधर मैं पहुंच गई हूं जिम, इसके बाद बस स्टार्ट हो जाएगा मेरा वर्कआउट। तो बस मेरा वर्कआउट ख़त्म हो चुका था, और इसके बाद बस मैं निकलूँगी घर के लिए, और रास्ते से ना मैं दूध लेते हुए जाऊँगी क्योंकि मुझे दूध लेते हुए जाना है। और इसी के साथ इस वाले वीडियो का करूँगी मैं यहीं पे एंड। वीडियो अगर कहीं भी पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।